वैसे तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट हर साल बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह नहीं बढ़ रहा है जिस तरह बढ़ना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के मामले में। 2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान का टोटल लिटरेसी रेट 62% है, जिसमें से 70% मर्दों का है, 48% औरतों का है। मतलब 22% का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फ़र्क तो किया जा रहा है, और ये फ़र्क किसी माशरे या हुकूमती इदारे की तरफ से नहीं, बल्कि हम में से ही कुछ वालिदैन की तरफ से अपनी ही औलादों में किया जाता है। कहते हैं औलाद की परवरिश में 80% माँ का रोल होता है, बेटी को मैट्रिक इंटर करा के टाल दिया जाता है ये कह के कि बेटा तेरी तो 2 से 3 साल में शादी हो जानी है। वहीं जब बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं तो बैचलर्स और मास्टर्स से नीचे बात नहीं होती, चाहे बेटा जट जाहिल क्यों ना हो, क्योंकि पता है ना पढ़ी लिखी बहू नस्ल जो सवार देगी। वही बाप अपनी बेटी की शादी में 13 से 14 लाख उड़ा जरूर सकता है, लेकिन 2 से 3 लाख की आगे पढ़ाई नहीं करा सकता। करा भी दी तो क्या फ़ायदा, आखिर तो उसे रुखसती हो जाना है। लेकिन हाँ, महंगे जहेज और धूमधाम की शादी का फ़ायदा तो है, ससुराल में इज्जत जो बढ़ जाएगी। ये देखो खलील भाई ने अपनी बेटी की शादी में अपनी औकात से बढ़ के दिया, लेकिन अपनी औकात में रह के वो ना दे सके जो ज़्यादा ज़रूरी था।